समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से, जनपद जालौन से पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि प्रवेद दीक्षित सपा कार्यालय में जाकर बैठक की। आगामी चुनाव हेतु चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मजबूती से साहस और मेहनत के साथ चुनाव रणनीति में डटे रहना है, जनसंपर्क बनाए रहने की हिदायत देते हुए कहा है। सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो देश का बंटवारा नहीं होता, एनएसए डोभाल बोले, नेताजी ने गांधी जी को चुनौती देने का साहस किया। जूनागढ़ में दरगाह हटाने के नोटिस पर बवाल, भीड़ ने पत्थर फेंके, गाड़ियां फूंकी है की मौत, डीएसपी और 4 पुलिसकर्मी घायल। कांग्रेस ज्वाइन करने के बजाय कुएं में कूद जाऊंगा, नितिन गडकरी ने सुनाया किस्सा, कहा मुझे भाजपा की विचारधारा पर पूरा भरोसा। पेपरजॉय के 36 घंटे बाद भी गुजरात में भारी बारिश, पालनपुर शहर में पानी भरा, चाणक्का में सोलर पार्क डूबा, अहमदाबाद दिल्ली हाईवे बंद। बदभूषण सिंह के कार्यकाल में बवाल, कुर्सियां चली, सेल्फी लेने के लिए दो प्रधान समर्थकों में मारपीट, सांसद के काफिले पर पथराव। पहलवान साक्षी मलिक का नया दावा, दो बीजेपी नेताओं ने धरना देने को कहा, परमिशन भी दिलाई, मेडल बहाते तो हिंसा होती। अजीत पवार ने फिर की पीएम की तारीफ, कहा नेहरू इंदिरा जैसे करिश्माई नेता है मोदी, उनके काम की वजह से देश में भाजपा। इंस्टाग्राम पर सुशायद वीडियो पोस्ट कर दी जान, आगरा का लड़का 1300 किलोमीटर दूर हैदराबाद जॉब के लिए गया था, बोला गर्लफ्रेंड ने दिया धोखा। यूपी में बिजली कटौती से सीएम योगी नाराज, रात में ऊर्जा मंत्री सभी बड़े अफसरों को तलब किया, बोले अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, तत्काल सुधर जाएं।